गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और अभी हम जा रहे हैं इलाहाबाद घंटाने। हरे कृष्णा गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं और फैज साहब दोनों जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट और आज आपको भी घुमाएंगे किला। क्या करना होगा जी, बहन जी को भी लेके जाना है जोधपुर तक। चलिए चलते हैं और आज का व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। पहला खोसली बेंजी कोई करियो पास ऊपर नीचे कर और कहीं खुले बंद। G20 की प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए देखिए जोधपुर को कितना सजाया हुआ शानदार। अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं नागौर गेट, हम यहां से सीधा रास्ता लेना है किले के लिए। तो अभी गाइस हम लगभग जो है किले के पास में पहुंच चुके हैं। देखिए बाहर से अगर इतनी दूर से इतना शानदार दिख रहा है तो अंदर जाएंगे तो कितना मस्त दिखेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको भी करवाते हैं वहां के दर्शन। इस देखो पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाया हुआ है। ये है देखिए गाइस बाहर का जो है किला काफी सुंदर। तो गाइस गाड़ी को लगा दिया है पर पार्किंग में, चलते हैं किले के अंदर। मैंने गाड़ी तो पार्किंग में लगा दी लेकिन अभी किला के अंदर जाना है। वही साहब इतनी दूर तक मुझे जाना पड़ेगा पैदल, तो चलिए चलते हैं। वही साहब जाना तो पड़ेगा। यहाँ का देखिए व्यू जो है कितना सुंदर आ रहा है चारों तरफ का। देखिए वो चारों तरफ किले की दीवार है जो कि राव जोधा जी ने बनाई थी जब किला बनाया था तब। तो अभी गाइस जा रहे हैं फौजी साहब, हम सभी चलते हैं अंदर। गाइस देखो ये एंट्री गेट, वाह कितना शानदार बनाया हुआ है। अभी गाइस चलते हैं अंदर। ओ भाई साहब मेरा अंदर घूमना था, टिकट कटाना पड़ी। ये है टिकट घर, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा हमको। तो अभी गाइस फौजी साहब ले रहे हैं हमारे सबके लिए टिकट। यह देखिए शॉपिंग करना है तो कुछ यहाँ पे खाने की चीज़ें भी है, कुछ खरीदने की भी है, टी शर्ट वगैरह, लेकिन बहुत महंगी है भाई साहब। और ये है एंट्री गेट। गाइस देखिए कितना पुराना गेट है। देखिए ये देखिए किले की पूरी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। ये है देखिए पूरा किले का ऊपरी शोर। यहाँ पर करनी हमको सड़ाई, पहले जयपुर के महाराजा ने की थी, अब हम करेंगे इस पर सड़ाई। अगर आपने जोधपुर किला नहीं देखा तो भाई साहब कुछ नहीं देखा। एकदम माते डिगिड़ो है लागे तो किसी के हीद ली वही नहीं भागर माते एक गुनिया में लियो हुई नहीं। भाई साहब कई कारीगर था उन टाइम रहा। देखिए गई जब ये किला बनने वाला था तो इस पर बलि मांगी जा रही थी जिंदा व्यक्ति की, जो जिंदा अगर कोई भी व्यक्ति को नींव में रखेंगे नीचे तो
तो ही किला बन पाएगा। दो तीन बार विफल हो गया था, तो फिर जब अनाउंसमेंट किया गया तो ये देखो राजा राम मेघवाल आया आगे और इसने बोला कि नहीं मेरी मुझे आप नींव में सुनवा दीजिए। तो फिर इसकी जो समाधि है यहाँ पर, फिर जो किला जाके बना। देखिए रावजोधा जी का फलसा 1459 में बना था ये, और विक्रम संवत 1515 में जोधपुर किला। ये देखिए जो किले के अंदर जाने वाला रास्ता एकदम संकरा रास्ता है, है? नेपाली भाई। तो यहाँ पर कितनी भी बड़ी सेना आ जाए तो भी इसके अंदर एक साथ तो घुस नहीं सकती, कम कम को घुसना पड़ेगा, है? तो काफ़ी लोग जो है वापिस आ रहे हैं किला देख देख करके। और ये देखिए यहाँ पर जो किले लगी हुई है कितनी ऊपर लगी हुई है। था नहीं हाथी रिवाज तो भी हाथी ढूंढी ठोके जा था। ये झोपड़ियाँ बनी हुई है भाई, किस लिए है ये? ये है और कुछ शॉपिंग के लिए, यहाँ पर आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ आइटम रखे हुए हैं, लेकिन भाई बहुत महंगे होंगे तभी तो इतने कम कम क्वांटिटी इतनी कम में है। ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाना खा सकते हैं। खाना खाने के लिए भाई साहब कोल्ड कॉफ़ी 200 रुपये, मैंगो लस्सी 200 रुपये, नहीं पीनी भाई हमको तो। ये है मेन एंट्री, यहाँ से हम इंटर करेंगे और वो है बाहर निकलने का वापस। तो यहाँ से इंटर करते ही देखिए भाई साहब कितना बड़ा सही है। ये भकारी है, इसमें क्या सामान है? स्टोर। तो भाई ये है पहला एंट्री गेट जहाँ से हमको कुछ देखने को मिलेगा। ये है देखिए हाथी होदा, लकड़ी की प्रेम उभरी हुई चांदी की। हे गाइस शांति मिश्रित, आपको शॉर्टकट बता देते हैं। ये देखिए पुराने जमाने की है, सब जो पालकियाँ हैं वो सब हाथी के ऊपर रखी जाती थी पहले। हाथी होता है जो कि हाथी के ऊपर रखे जाते थे और ऊपर बैठते थे राजा राजा महाराजा सब उसके ऊपर में बैठते थे अंदर। वॉइस आपको मस्त। ये देखिए पहले की पालकियाँ कैसे यूज़ करते थे, इसमें देखो दुल्हन को बैठा करके लेके जाते थे, जो कि ये रही पालकी सामने ना दुल्हन वाली शादी होती थी तब। और ये राजा महाराजा को बैठा के लेके जाते थे, उनकी पालकी वो आगे वो भी दिखेंगे आपको। ये है राजा महाराजाओं के बैठने की, इसके ऊपर कपड़ा लगता था ताकि धूप ना लगे, और फिर आगे से भी 3-4 लोग पकड़ते थे, पीछे से भी 3-4 लोग पकड़ते थे। तो ये देखिए इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, युवा भी बग्घी का प्रभाव दिखता है। ये शानदार वाली पालकी है, ये भी है पालकी और कुछ लिखा हुआ भी है। देखिए महारानी जी की पालकी पढ़ सकते हैं, ये 200 साल पुरानी है। देखिए ये मोर वाली पालकी, ये भी लगभग 200 साल पुरानी है, अंदर नक्काशी की हुई है एकदम बारीकी से। वाह देखते ही जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कलर से बनाई हुई, लेकिन नहीं ये सब पत्थर में डिजाइन बनाई हुई है, जो कि कितना समय लगा होगा इसमें देख सकते हैं आप। ये है अंदर का, और यहाँ पे रखी हुई तोपे। तो ये है पहले का तोरण, जब दूल्हे राजा जब शादी करने आते थे तो तोरण बांधते हैं, उसमें से ऐसा तोरण बनाया है। ऊपर देखिए चिड़िया का फोटो है, नीचे गजानन जी का फोटो है। ये है तलवार देखिए महाराजा अजीत सिंह जी की, ऐसा 300 साल पहले की। ये है देखिए इसमें सब है, छोटा वाला सूरा भी है, इसमें ढाल भी है, बंदूक भी है, टोपा भी है। ये क्या है भाई साहब? ये देखिए सुस्की का प्रयोग शराब अफीम का पानी परोसने के लिए होता था, ये उत्कृष्ट कला है, उधर सही चीज नहीं है। लटन मरो रे, कई कई चीज़ें हैं। कमलदान देखो चौपड़ा,
क्रिसमस। देखो रायकाबाग, और ये रेलगाड़ी है, रायकाबाग स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी है। को ताला और साबी तपसिंग, देखो एडो ताड़ो नाड़ी साबी आ साबी वो ताड़ो, और ये अनेक साबियों के साथ में ताला। ये है देखिए मारवाड़ के सिक्के, भाई साहब ये तो फोटो खींचने लग गई यहीं पर। गाइस है देखिए बंदूक है, हाँ लकड़ी वाली नहीं, बारे बॉल है, बारे बॉल बंदूक है, तोड़दार देखो तोड़। सन देखे तो 1717 और अगर विक्रम संवत देखे तो 1771 में सौदा मण यानी 560 किलोग्राम की है भाई साहब ये। और ये विक्रम साथ है, और ये है पालकी, पालकी इसके ऊपर लिखा हुआ देखा पढ़ सकते हैं 1726 से 1749 के जो राजा थे महाराजा अभय सिंह जी, सूबेदार जो था वो अहमदाबाद का बुलंद खान को हरा करके 1730 में लाए थे यहाँ पर। ऊपर देखिए सोने का झोल लगा हुआ है, सोने का जो पानी बोलते हैं वो लगा हुआ है इसके ऊपर, है लकड़ी की लेकिन ऊपर सोना है। ये है देखिए मारवाड़ का चित्र, छार के रेगिस्तान में स्थापित। गाइस पहले का जो दरबार लगता था, ये पहले की जो चित्र बनाने वाले थे, देखिए ये है ब्रश और फिर गूंद कलर फिरोजा ये सब प्रकार के कलर है, इनको मिला करके फिर चित्रकला चित्रकारी की जाती थी। ये देखिए इस पर चित्र कोरे हुए बनाए हुए हैं, गुलाबी चट्टान है। सूर्यवंशी, ये देखिए सूर्यवंशी जो राजपूत हैं उनका कर्तव्य क्या है, धर्म और राज्य की रक्षा करना था, जो कि आजकल भी शायद नहीं जानते सब। ये देखिए जोधपुर के समस्त राजाओं के चित्र, भगवान का दरबार। यह है गाइस देखो होली का त्यौहार, तो भी गाइस अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर का नजारा कैसा है। गाइस देखिए यह है फूल महल और कितना शानदार बनाया हुआ है, ये जो सब धूप से चमक रहे हैं, जितने भी इसमें लाइटें दिख रही हैं, अलग अलग कलर के कांच वगैरह लगाए हुए हैं, और ऊपर देखिए सभी राजा महाराजाओं के जो है उनके पुत्रों की तस्वीरें हैं जो कि सोने से अंकित की हुई है। गाइस देखिए ऊपर से जो नज़ारा जयपुर का इतना शानदार दिख रहा है, नीचे देखो तोपे लगी हुई है, आतंकवादी जो भी शत्रु आते थे शत्रुओं पर छोड़ने के लिए, और ये दूर दूर तक देखिए इस किले की दीवार है वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है आपको, दिख रही होगी पूरा जो तो शहर है ब्लू सिटी। हैं वो है पूरा जोधपुर शहर, और ये है घंटाघर।
और घंटाघर से अगर देखेंगे तो किला पूरा दिखता है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो घंटाघर पूरा दिखता है, और वो है चित्र पैलेस जहाँ पे आज भी महाराजा रहते हैं। जोधपुर के जो महाराजा गजेंद्र सिंह का निवास स्थल है वो है चित्र पैलेस। यहाँ से काफ़ी दूर दिख रहा है, काफ़ी दूर है यहाँ से। यह है पहले ज़माने के हथियार जिसमें 18वीं-19वीं शताब्दी की बंदूक भी हैं, और पहले के जो सूरा, फरसा, कुल्हाड़ी, खंजर, सिलेनियम, जंबिया, भुज, कट्टर सब है इसमें। और यह है बंदूक है बार बॉल, और यह है छोटे छोटे सूरे। यह है सभी राजा महाराजों की तलवारें जो कि ओरिजिनल है एकदम। भाई साहब ये देखो कितने डिंगे भाई बंदे, कितने हाइट है इनकी, इतने ग्लास चमक है अच्छे से, जैसे पीछे लाइट लगी हुई, मतलब लाइट ऐसे जैसे जैसे लाइटिंग की हुई है, लेकिन ये सिर्फ धूप से चमक रहे हैं। कितना शानदार पहले का बनाया हुआ है, सब प्राकृतिक है एकदम नेचुरल। ऊपर देखो बड़ी बड़ी बॉल्स लगी हुई है, गाइस ये है देखिए दुर्गादास राठौड़ की तलवार। वीर दुर्गादास राठौड़, ये सभी छोटे छोटे राजकुमारों के लिए झूला झूलने के लिए पालने बहुत ही सुंदरता से बने हुए हैं। देखिए गाइस बच्चों के झूले कितने शानदार शानदार है, वाह। ये है मोती महल, और कितना शानदार, देखिए 16वीं शताब्दी में बनाया हुआ था लेकिन आज भी वैसे का वैसा ही है। और ऊपर देखिए पूरा सोने का है, इसमें सोने से नक्काशी की हुई है कहीं। मालता युद्ध कटे मंदिर जो मैं अभी थे। टिशर्ट है लेकिन बहुत महंगे महंगे भाई साहब, ये कैप वगैरह है। यह है देखिए भगवान श्री गिरधारी जी का मंदिर, और चांदी से बनाए हुए संग्रह है, और मारवाड़ के राजा सभी आराधना करते थे भगवान जी की। तो अभी गाइस पूरा जो है किले का भ्रमण हमने कर लिया है, अभी हम निकल रहे हैं वापस किले से बाहर। तो ये किले का दी एंड हो गया यहाँ पर, और यहाँ का जो नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो अभी गाइस अभी चलते हैं समुंडा माता के मंदिर की तरफ, और कुछ अंग्रेजी माता जी आ रहे हैं सामने से। आगे का भी नज़ारा काफ़ी सुंदर है, मुझे तो यार इसकी नक्काशी बहुत शानदार लग रही है। वाह यार कितनी अच्छे से, कितनी बारीकी से क्या हुआ है, देखिए कितना टाइम लगा होगा भाई साहब, गजब यार क्या बताएं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी है देखिए सबसे बड़ी कढ़ाई जो कि लोगों के लिए खाना बनाने के लिए,
पर काफी हरियाली है। भाई साहब ये है देखिए तोहफे रखने का स्थान, यह है सबसे बड़ी सत। और यहाँ पर सब जगह तोहफे तोहफे देखिए, और ये उस हिसाब से रखी हुई है किल किला। भाई साहब अटिन कटिन छोड़ दो, अटियो आती है ना हमी सन हम यार, यहाँ आती है तो आती है टैग में रूटीन थोड़ी। तो गाइस वो है सामने माता जी का मंदिर, श्यामला माता का मंदिर, और ये जो रास्ता है ये केवल लेडीज़ के जाने के लिए है, अगर पुरुषों को जाना है तो फिर इस रास्ते से नीचे से जाना पड़ेगा उधर तक। चलिए तो चलते हैं, तो भी गाइस चलते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। जय हो श्यामला माता की जय। ये देखिए वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। ओ भाई साहब उठ तक शिवजी मत पॉइंट टपके, देख तालाब की गहराई देख, ये तालाब है। जूते सब पहले यहीं पे उतार दे कृपया करके। ये है गाइस देखिए चामुंडा माता का मंदिर, कृपा है माता जी की। अभी वैसे माता जी के दर्शन हो गए, अभी चलते हैं वापस। काला काला चश्मा गाइस पूरा किला घूम लिए, अभी हम निकल रहे हैं वापस किले से बाहर। जिधर क्लियरिटी नहीं आ रही तो मैं उल्टा उल्टा जा रहा हूँ, और फिर जो है तब तक वो बाहर आ रहे हैं, तब तक मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ गेट के पास में। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से एकदम क्लियर आ रहा है क्योंकि सामने तो सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो ये सब क्लियर आ रहा है एकदम। लेकिन जब उल्टा घूमते हैं तो सूर्य की रोशनी एकदम कैमरे के सामने पड़ती है तो साफ नहीं आता, एकदम काला काला नज़र आता है। तो अभी गाइस लगभग हम गेट के बाहर आ गए हैं, चलिए चलते हैं बाहर और अब सीधा निकलेंगे घर के लिए। जाना था हमको जसवंत थड़ा, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, 4 बजने को आए हैं। तो अभी अगर हम जसवंत थड़ा और बाकी चित्र पैलेस वगैरह घूमेंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, सो हम वैसे सिर्फ किला घूम कर ही निकल रहे हैं। तो अभी गाइस किले को करते हैं बाय बाय और चलते हैं घर। हरे कृष्णा। भी अंग्रेजी सैलानी आए हुए हैं यहाँ पर, बाहर से किले का नज़ारा। भाई साहब कितना ऊपर है यार, पता नहीं कैसे बनाया, कितना मुश्किल से बना होगा। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी लोग आए अभी शाम के समय भी घूमने के लिए, लेकिन हमारा हो गया। तो मैं निकल रहा हूँ गाड़ी के पास जा रहा हूँ, तब तक भाई साहब और वो बाहर आ जाएंगे। तो अभी गाइस लगभग मैं आ गया हूँ पूरे किले से बाहर, और तो ये है पीछे का नज़ारा जो देखिए आप देख सकते हैं, वो पीछे दीवार है पूरी है ना किले, ये पूरा किला है पीछे।
और ये पानी का तालाब है, ये सबके पानी पीने के लिए शायद बना हुआ था, क्योंकि इसमें बरसात का पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता था शायद। अभी गाइस मैं आ गया हूँ गाड़ी में, और अभी गाड़ी लेके चलते हैं वापस किले के गेट के पास, वहाँ तो उनको लेकर के आते हैं, चलते हैं घर। और एक स्नान खड़ा है ये ऊपर, अब ऊपर तो खड़ा है, टेढ़े देखो तो वाइस तो है बस तो पड़ी अब बैठ गया था मियां का था। हां अब टाटा गुन गया नहीं, चलो कोई नहीं, तो फिर चलते हैं, टाटा बाय बाय। चलो अभी गाइस तो हम यहां से निकल चुके हैं, तो अभी गाइस पहुंच चुके हैं हम घर पर। और देखिए भाई साहब पूरी आर्मी आ रही, देखो भागकर गेट खोलने के लिए। हमारे दादी से बैठे हैं चार भाई पे, धूप सेक रहे हैं, शाम की धूप। तो अभी गाइस आ गया हूँ मैं घर पर, और अभी थोड़ा आराम करना था लेकिन कुछ काम जा रहा हूँ। तो गाइस हम यूज़ रात के 8:30 और खाना पीना सब हो चुका है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। वीडियो शुरू हुई तो रुको, पुर्तगीज़ तो।